दोस्तों, कुछ लोग अपनी हिम्मत की हदें जांचने से बाज नहीं आते, लेकिन बदकिस्मती से ऐसे बहादुर लोग अक्सर पागलपन से भरे स्टंट्स के दौरान अपनी जान भी गंवा देते हैं। आज हम आपको कुछ ऐसे ही फेमस स्टंट्स के बारे में बताएंगे जिनका परिणाम भीषण रहा। वू योंगनिंग। 26 साल का ये साहसी नौजवान गगनचुंबी इमारतों पर खड़े होकर स्टंट्स किया करता था, वो भी बिना किसी सुरक्षा उपकरण के। थोड़ी ही समय में योंगनिंग ने सोशल साइट्स पर तकरीबन 300 से ज्यादा ऐसे वीडियोस अपलोड कर डाले जिनको देखकर दर्शकों की सांसें थम जाए। लेकिन अब जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये वो वीडियो है जिसमें खुद योंगनिंग की सांसें थम गई। अपने इस आखिरी स्टंट में वे चीन की एक 62 मंजिला इमारत से नीचे लटक कर पुलअप्स करते दिखाई दिए, जिसमें उनके हाथों की पकड़ छूटी और वे सीधे मौत के गर्भ में समा गए। वैसे बता दें कि योंगनिंग ने ये सब बेवकूफी में नहीं बल्कि पैसों के लिए किया। न्यूयॉर्क पोस्ट के अनुसार कुछ अनजान लोगों ने ये स्टंट करने के लिए योंगनिंग को $15,000 ऑफर किए, जो कि योंगनिंग अपनी शादी के लिए इस्तेमाल करना चाहते थे। शैलेंद्र नाथ रॉय। शैलेंद्र ने दार्जिलिंग हिमालय रेलवे लोकोमोटिव ट्रेन को अपने बालों से 2.5 मीटर तक खींचकर गिनीज बुक में अपना नाम दर्ज करवाया। इसके बाद उन्होंने एक और वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने की कोशिश की, जिसमें वे अपने बालों को एक तार से बांधकर सिलीगुड़ी से 35 किलोमीटर दूर एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ पर जाने वाले थे। लेकिन इस स्टंट के दौरान शैलेंद्र के बाल जिस चैन से बंधे थे वो ब्लॉक हो गया। वो इस चैन से काफी देर लटके रहे और फिर सैकड़ों लोगों के सामने ही शैलेंद्र ने दम तोड़ दिया। वैलेरी रोजोव। रशियन बेस्ड जंपर वैलेरी रोजोव अपने जंप शूट के साथ दुनिया के 7 महाद्वीपों के सबसे ऊंचे पहाड़ों पर से जंप लगाकर इतिहास रचने की तैयारी में थे और एक हद तक वे कामयाब भी रहे। IBT के हिसाब से रोजोव पहले ही अंटार्कटिक के अल्वेताना शिखर से छलांग लगा चुके थे और 2009 में उन्होंने एक सक्रिय ज्वालामुखी पर से भी छलांग लगाई थी। साथ ही रोजोव के नाम विंग सूट पहनकर सबसे ऊंची छलांग लगाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड भी था, जो कि उन्होंने माउंट एवरेस्ट से ऊपर से कूदकर बनाया था। लेकिन नेपाल में एक जंप के दौरान वो सीधे पहाड़ी चोटी जा टकराए और उनकी मौत हो गई। हैरानी की बात थी कि रोजोव इससे पहले माउंट एवरेस्ट से छलांग लगा चुके थे, पर मौत उनको कम ऊंचाई पर ही मिल गई। डीन पॉटर एंड ग्रैहम हंट। पॉटर और हंट अच्छे दोस्त थे, दोनों ही प्रसिद्ध पर्वतारोही थे और दोनों की मौत भी एक साथ हुई। यह हादसा योशिमिटी नेशनल पार्क में हुआ। यहां उन्होंने एक पहाड़ पर से विंग सूट पहनकर छलांग लगाई और चट्टानों से जा टकराए। इस हादसे को लेकर उनके एक अन्य साथी पर्वतारोही डग ने कहा, मुझे उनकी मौत का दुख तो हुआ लेकिन आश्चर्य बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि उन्होंने हमेशा अपनी हदों को चुनौती दी थी। वैसे बता दें, पॉटर ऐसी छलांग कम से कम 20 बार लगा चुके थे और हंट भी शायद उतने ही अनुभवी थे। ये दुर्घटना इस बात को साबित करती है कि अनुभव हमेशा आपको बचाए नहीं रख सकता। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आप हमारे चैनल री रिसर्च पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।